भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो आप हैं वही आपको रहना चाहिए, आपको रहना वही रहना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा भी है आपको तो ये आइडिया होना चाहिए, अच्छा मेरे जो मदर इन लॉ जिन्होंने बनना है ठीक है वो आ उनकी वैल्यूज क्या है। अच्छा इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है ना, लेकिन आजकल बच्चियां मेरा नहीं ख्याल के दुपट्टा लेती हैं, कोई 50% लेती होंगी, 50% नहीं लेती। हमारे साथ एक कॉलर भी है इसी के साथ, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि मैं जो हूँ जॉब भी करता हूँ और मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है और मेरे रिश्ता देखने आते हैं, लेकिन मसला यह है कि मैं अकेला हूँ, मेरे वालदैन नहीं है, तो जब मेरे रिश्ता देखने आते हैं तो वो एक बड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है मेरी फैमिली ना होने की वजह से, जिस वजह से जो है मुझे बहुत परेशानी है रिश्ते में। तो मुझे मुफ्ती साहब कोई वजीफा बता दें कि मेरे रिश्ते में आसानी पैदा हो जाए। जी ठीक, आप देखिए किस कदर परेशान है लोग इस हवाले से, परेशानी है ऐसे। अच्छा मैं इस मसले में ना, जैसे बहन ने बात की ना कि इनके वालदा जो है वो रिश्ता आने वाले से जो है पहले ही मुकम्मल इनकी प्रोफाइल बता देती थी कि ये मामलात हैं, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, जो आने वाले हैं उनको भी प्रोफाइल देनी चाहिए और हम जिनको बुला रहे हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं, कि हमारे जो ऑलरेडी जो हमारे माइंड है, हमारी सोच है, हमारी रहन सहन है, मैच करता है कि नहीं करता, ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फिर इससे बच्चे जो है ना मायूस भी नहीं होते और फिर वो आए ही वो जिनको ये हमारी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, हमने जो बहनों बेटियों को अजीब सी मिसाल देने लगा हूँ कि वो जो हमने भेड़ बकरी समझ लिया है ना, जहाँ मंडी में से वो चूज़ करने जाते हैं, ये ख्याल ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। सब बेटियों वाले हैं, सब बहनों वाले हैं, किसी की बहन बेटी को जब आप रिजेक्ट करके आते हैं तो उस पर क्या बीतती है, ये आप खुद भी अपने पे तसव्वुर करके देखें कि आपकी बहन या बेटी को कोई जब किसी वजह से रिजेक्ट करे तो आप पे क्या बीतेगी, तो फिर सोच समझ के किसी के घर जाए। वो जाए, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके पास तो खुद लोग आते हैं तो कुछ ऐसी भी ख्वाहिशात करते होंगे कि गैर हकीकी किस्म की, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं, बेसिकली क्या ख्वाहिशात होती हैं जिनकी बेस पे वो आपको कहते हैं कि आप रिश्ता हमें बताएं कोई? बिल्कुल ऐसी ख्वाहिशात होती हैं और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अपनी जो अपनी डिमांड्स की लिस्ट है ना इसमें थोड़ी कमी करें। क्या होती क्या है लिस्ट? वो शुरू से ही डिस्कस हो रहा है, शुरू से ही कि एज है वो लड़की की कम होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं तो लड़की की खुद एज क्या है तो लड़की की वो इतनी मांग रहे हैं। मोस्टली लड़के जो है वो एज अपनी उनकी ज्यादा होती है और उनकी डिमांड होती है कि लड़की कम उम्र की, लड़की कम उम्र की। वेरी ट्रू जी, तो ये एक बड़ी जो है इशू आती है। फिर अब रिजेक्शन की जो वजह मोस्टली लड़का कम होता है, लड़के की बहनें और उनकी जो पेरेंट्स है वो ज्यादा होती है और पेरेंट्स में भी माँ का इशू ज्यादा होता है। वालिद को इतने इशू नहीं होते रजिस्ट्री में रिजेक्ट करने में जितने ज्यादा माँ को और उसकी बहनों को होते हैं, हालांकि जिंदगी गुजारनी है बेटे ने और वो अगर एक्सेप्ट कर भी रहा होता है तो माँ को या बहनों को इशू आ रहा होता है कि जी उसकी हाइट ठीक नहीं थी, जो बाकी चीज़ों पे मामला आते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर हम पहले से ही एक दूसरे को पूरी प्रोफाइल बता के बुलाएं तो रिजेक्शन के चांस जो है वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, और अभी जो भाई ने कॉल की थी इनके लिए वजीफा बिल्कुल बता देता हूँ, ऐसे ही मैं इनसे भी मशवरा दूंगा कि जब आपको रिश्ता देखने के लिए आएँ तो उन्हें पहले से बता दें कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी एज ये है। चीज़ें जब लोगों के सामने आप ठीक से रखते हैं तो बड़ी आसानी से जो कुछ लोग सच को मानने वाले भी हैं, बिल्कुल है ठीक है, तो यकीनन रिश्ता हो जाएगा। वजीफा आपके लिए ये है कि यकीनन आप नमाज की पाबंदी करते होंगे, नहीं करते तो नमाज पाबंदी से पढ़ा करें, आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह सिर्फ 101 मरतबा वाला खद्रू शरीफ के साथ या अल्लाह या मुसव्विर या जामी या लतीफ़ ये आपने पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द ही आपके लिए रिश्ते में आसानियाँ हो जाएंगी। और कुरान पाक की तलावत अगर करते हैं और पढ़े लिखे हैं आप तो रोजाना सूरह ताहा एक मरतबा सुबह फजर की नमाज पढ़ लिया। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, ये वजीफा जो है वो तमाम सुनने वाले कर सकते हैं, इसकी इजाज़त जी कर सकते हैं, इजाज़त बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के अस्माए जो भी रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई लड़का हो लड़की हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के कुरान पाक में इरशाद है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम है उसे उन नामों से पुकारा करो। जितने भी मैंने लफ्ज़ बताए हैं अल्लाह ताला के नाम के इन सब के मीनिंग ही यही हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उसे मिलने वाले जो है वो उसके जामे का रामे कर दे, मिला दे, मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे। तो ये वजीफा करें इंशाल्लाह जल्द ही आसानियाँ पैदा होंगी रिश्ते के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यही से कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं मुस्तफा लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सवाल भी है मेरे साथ ही होगा कि मेरे रिश्ता मेरा फाइनल हो चुका था, सारी चीजें डन हो चुकी थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बाद में डिमांड ज्यादा आनी शुरू हो चुकी थी कि हक मेहर की बहुत ज्यादा डिमांड आनी शुरू होगी,
और उस बिना पर उन्होंने मेरा जो है रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू मेन नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे घर वो काफी ज्यादा अपनी आवाम लेकर आ गए थे, ठीक है, और एक ओवन में खाना गर्म कर रहे थे जिसकी आवाज उनके कानों तक पहुंची, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने उठा के मेरा जो रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह के बहुत मतलब डायरेक्ट बोलते नहीं है कोई, और छोटी छोटी बातों पे रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, इसमें आपका क्या कहना पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल सही जी, अभी बिल्कुल मैं यही बात कर रही थी कि सिर्फ सिर्फ ये लड़कियों के साथ रिजेक्शन के मसाइल हैं, लड़कों के साथ भी बहुत रिजेक्शन चल रहा है ऑलमोस्ट। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं हम जब अपने भाई का रिश्ता देख रहे थे तो देन वी रियलाइज के लड़के का रिश्ता ढूंढना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू लड़की का रिश्ता। अच्छा लड़के में क्या देखना पड़ता है, जैसे हमने देखा कि लड़कियों को ये फैक्टर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करनी। मुझे लगता है एक बड़ा मेन इशू है वो कास्ट सिस्टम है, जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का आपकी कास्ट से बाहर है आप इस वजह से भी रिश्ता रिजेक्ट कर लेते हैं। अच्छी भली वो तो आपने पहली दफा सुना, सबसे पहले पेरेंट्स यूजुअली हमारे ट्रेडिशनल तरीके से पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, क्या कास्ट है, किस उससे है, यस बिल्कुल, हाँ फिरके का भी पूछते हैं। By the way, ये भी लड़के में भी ज्यादा प्रेशर होता है कि उसका स्टेबल होना जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन कास्ट इश्यूज की जिस तरह बात करी है, कास्ट इश्यूज की वजह से भी है बहुत डिले आ रहा है। ये हमारे इतने शहरों में कॉमन नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू आर आउट ऑफ लाहौर और एनी बिग सिटी द कास्ट इश्यूज वेरी कॉमन। वहाँ पे कास्ट को बेटिश दी जाती है कि हमारी कास्ट की है या नहीं कास्ट की, हम इनमें कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं। हम देखे ना अगर हम अपने अम्मी अब्बू को उठा के देखें तो उनमें भी आप देखें कंपैटिबिलिटी कास्ट की बेस पे ज़्यादा हुई होती है, बाद में कंपैटिबिलिटी बाकी देखी जाती है। तो यस ये हम शहरों में तो ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, लेकिन रिमोट एरियाज में अभी भी है, मतलब 70% पाकिस्तान में अभी भी ये प्रिवेल करता है। बिल्कुल करता है। मुफ्ती साहब आपने सवाल सुना बेसिकली कॉलर का जो है वो हक मेहर के ऊपर था, तो ये क्या मुनासिब है कि इस तरह से हक मेहर की डिमांड जो है वो बढ़ानी चाहिए? देखिए हक मेहर भी लड़के की उसकी देखते हुए उसकी जो कैपेसिटी को जी कैपेसिटी है उसकी अर्निंग है उसके मुताबिक डिमांड करना चाहिए। अब लड़के की अगर सपोज करें पे जो है वो 1 लाख है और आप उससे डिमांड करें 50 लाख हक मेहर दे तो वो नहीं पे कर सकता। जैसे हमने बात की कि रिश्ता भी अपनी कैपेसिटी देख के करना चाहिए, ऐसे ही हक मेहर भी लड़के की कैपेसिटी देख के डिमांड करना चाहिए। शरीयत ने कम से कम हक मेहर की डिमांड बयान की है, मैक्सिमम की लिमिट बयान नहीं की। असल में ये लड़की वालों का लड़की का हक होता है, लेकिन हक में ये है कि इतनी डिमांड करें जितना जो है वो एडजस्ट हो जाए और उसमें तय हो जाए। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी डिमांड करते हैं ना कि अपनी बेटी को सिक्योर कर सकें, कोई तलाक ना दे सके। जी ये भी है, फिर उसमें फिर दो ऑप्शन आते हैं कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल के। मुअज्जल जो होता है मौके पर अदा करना होता है, और गैर मुअज्जल में इद्दत तलब लिखा जाता है कि जब वो डिमांड करेंगे या खुदा ना खास्ता डिवोर्स देते हैं तो फिर जो है वो देना होता है, तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये सेफ्टी सिक्योरिटी देखना बाज़ का जो है वो पहले भी पड़ जाता है कि दोनों की बन नहीं आ रही होती और इसके बावजूद वो दूसरे को छोड़ इसलिए नहीं होते कि जो हक मेहर देना पड़ेगा। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं जिसको देखकर जो है फैसला करना चाहिए। जंजानी साहब आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि स्टार्स की कंपैटिबिलिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे, खासतौर पर ये जो महीना मई का है इसमें कौन से स्टार्स हैं जिनकी शादियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप दोबारा से अगर रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मई का महीना है इसमें कौन से स्टार से शादी एक्सपेक्ट की जा रही है, एंड सेकेंडली कौन से स्टार्स हैं जो शादी के लिहाज से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं? अच्छा ऐसा है कि मई का जो मंथ है इसके अंदर शादी के हवाले से जो अहम स्टार्स चल रहे हैं आजकल उसमें लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी अगर शादी की एज ड्यू है इनके लिए आसानियां रहेंगी। फिर अभी रिसेंटली जुपिटर भी चेंज हुआ है, जुपिटर का ताल्लुक है सेजिटेरियस से भी और पाइसिस वालों के अफराद के साथ भी, उनके लिए बहुत अच्छा ये मंथ रहेगा। मुश्किलात हैं जेमिनी और वर्गो वालों के लिए, इनको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको मजीद हो सकता है आगे जाना पड़े। और कंपैटिबिलिटी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो प्लैनेट्स के जनरली जो ज़ोडिक साइन हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एरीज वाले और लियो वाले ये बड़े अच्छे कंपैटिबल होते हैं क्योंकि दोनों का ताल्लुक फायर एलिमेंट से है। फिर उसके बाद टॉरस वालों की अगर बात की जाए, लिब्रा वालों के साथ दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे कंपैटिबल होते हैं। स्कॉर्पियंस वाले पाइसिस के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल होते हैं। एक्वेरियस वाले अफराद जो हैं इनकी अगर कंपैटिबिलिटी लियो के साथ हो जाए तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि दोनों
यूं समझ लें कि शादी के बाद घर में दो शौहर होते हैं, बीवी कोई नहीं होता, तो इनमें से अरे बीवी कोई नहीं बनता, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है इनकी कंपैटिबिलिटी। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा जॉडिक साइन है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है अगर इनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दी जाए, क्योंकि ये मादी दुनिया के मामलात पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ये रूहानी दुनिया के लोग होते हैं और अपनी चीजों को मोहब्बत से देख रहे होते हैं, मोहब्बत के तराजू में उसको तोल रहे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कैप्रिकॉन्स की, तो कैप्रिकॉन्स वालों को हमेशा वो लोग पसंद होते हैं जो काम करने वाले हों, फारिग ना हो, कि ऐसा शौहर या ऐसी बीवी जो हौसला देने वाले हों, उनको मोटिवेट करने वाले हों, उनको सपोर्ट करने वाले हों। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको वाजे करता चलूं कि ये जितने भी एनालिसिस अभी मैंने आपको जो बताया है इन चीजों का, ये एक जनरल एनालिसिस होता है जिसको हम लोग सामने रखते हैं, उसको देखकर फिर आगे एवेल्यूएट करते हैं कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर इंसान का इनफरादी जायचा। जैसे एक डॉक्टर है, वो हर बंदे का टेस्ट करवाता है और उसकी रिपोर्ट मुख्तलिफ आती है दूसरे से, तो इसी तरह हर इंसान का मिजाज दूसरे इंसान से नहीं मिलता। इवन ट्विंस भी अगर देखें कि एक वक्त में एक डेट में पैदा होने वाले दो बच्चे, शक्लें जरूर मिलेंगी, कद भी मिलेंगे, रंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिजाज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही दोनों के बात है। मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह हमने ये एवेल्युएट करना होता है कि जो आपका जीवन साथी बनने जा रहा है या जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो आपके इनफरादी जायचे के मुताबिक आपके लिए कितना ज्यादा कंपैटिबल है, उसके लिए क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करनी जंजानी साहब चाहिए। एक 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 मिसाल बात के और मुझे तौर बताइएगा पे प्लीज कि जैसे चार मिसाल एलिमेंट्स है ना, कहते हैं कि वाटर, फायर, अर्थ और उसके बाद हमारे पास एयर है, ठीक है। इसके अगर आपस में हम देखा जाए तो वाटर वाले साइंस जो हैं उनकी जी अगर फायर वाले साइंस का शादी कर दी जाए तो फिर क्या उसका उसके असरात होते हैं, यानी कौन से मिजाज साइंस मुख्तलिफ ऐसे होंगे जिनकी ना, शादी आप दोनों समझ लें मुख्तलिफ कभी भी जातियों नहीं में होनी चाहिए सोचने वाले आपस में। हैं। फायर और एयर तो नहीं देखिए इसके अंदर जो साइंस है ना, उसमें ये नहीं कहूंगा कभी नहीं होनी चाहिए, असल में होता ये कि हो जाती हैं। अक्सर मैंने शादियां देखी हैं कि एक वाटर साइन है, एक फायर एलिमेंट है, और इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनके इनफरादी जायचे के अंदर एक दूसरे को कबूल करने की सलाहियत बड़ी मेच्योर होती है, कि अपनी अपनी लिमिट्स में रह के वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। और यहाँ पर मैं एक और छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट सबको बताता चलूं, कि चूंकि रिश्ते की बात चल रही है, आपने भी पूछा मंथ जो है इसमें कितनी शादी होगी, तो सबसे एक बेहतर टिप मैं दे देता हूं कि आपने जब भी किसी से रिश्ता करना हो तो आप ये देखें कि चांद की पहली तारीख से लेके और चांद की 14 तारीख के दरमियान जब मून राइजिंग की तरफ जा रहा होता है, राइज हो रहा होता है, तो इस अरसे में आपके जो एहसासात होते हैं एक दूसरे को समझने के, बताने के, समझाने के, एक दूसरे को एवेल्युएट करने के, ये बड़े पॉजिटिव होते हैं। कि अगर आपने किसी से रिश्ता करना है, शादी करनी है, अगर आप चढ़ते हुए चांद में को रिश्ता देखते हैं, और खास तौर पे मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, थर्सडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्राइडे का दिन क्योंकि मंडे है मून फीलिंग्स, थर्सडे इसका ताल्लुक रूहानियत से होता है, और जुम्मे का दिन वीनस का दिन है मोहब्बत का, ये 3 दिन हफ्ते के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर आपने कोई मीटिंग करनी है शादी के लिए, तो अगर आप इन डेज को मद्देनजर रखें या इन दिनों को मद्देनजर रखें, तो इसके अंदर आप जो खुद भी बता रहे होंगे, आप सच बता रहे होंगे, आप कुछ छुपा नहीं रहे होंगे, आप दूसरे को परखने से ज्यादा अपने बारे में ज्यादा बता रहे होंगे ताकि दूसरे आपको बेहतर अंदाज में समझ सके। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स हैं जो मेरा ख्याल सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। समटाइम ये होता है कि आप ऐसे दिन में किसी के घर चले गए हैं कि वो दूसरा शख्स गुस्से के मूड में बैठा है और आप गए हैं रिश्ता देखने के लिए, आपका ऑरा ही नहीं मैच होता, आपको वो फैमिली देखने में ही अच्छी नहीं लग रही होती, वो इसीलिए अच्छी नहीं लग रही होती कि आप जिस टाइम पे उनके हाउस में एंटर हो रहे हैं, जिस दिन में आप एंटर हो रहे हैं, वो दिन जैसे ट्यूसडे का दिन बहुत भारी होता है, मंगल जो है, मार्स का दिन है, ये बहुत भारी होता है, अग्रेसिव डे है, और अगर आप बुध वाले दिन जाके किसी से कोई रिश्ते के लिए आप जा रहे हैं तो मरकरी का दिन है, इसके अंदर होगा क्या,
कि आपको बहुत ज्यादा दलील देनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन लेवल कुछ ज्यादा ही लंबा और तवील हो जाएगा। अब हफ्ते का दिन है, हफ्ते का दिन डिले पैदा करता है कि जो लोग हफ्ते वाले दिन रिश्ता देखने जाते हैं उसके बाद उनको कहा जाता है अच्छा हम आपको बताएंगे, वो फिर बेचारे इंतजार ही करते रहते हैं कि पता नहीं जवाब आएगा इस महीने अगले महीने। संडे का दिन मोस्टली चूंकि छुट्टी होती है लोग जाते हैं, संडे का दिन एक ऐसा दिन है कि अगर आप संडे के दिन किसी का रिश्ता देखने जाएं, सन का दिन है, वो फौरी तौर पे आपको बता देंगे कि जी हमें आप पसंद नहीं आए, आप कहीं और चले जाएं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी अगर आप डेज का बेहतर वक्त का इंतखाब करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं आप मायूस नहीं होंगे, आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं और आपने वाकई रिश्ते के हवाले से उनके एक सच्ची जो है वो अकीदत से उनको बुला रहे हैं, तो आप मंडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर आप बुलाएं, अगर आपने किसी के घर जाना है तो आप इन दिनों का इंतखाब करें। या आपको ये चाहिए कि बस फौरी तौर पे मुझे पता चले मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप संडे के दिन का इंतखाब करें।